हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं और आज होटल में हमारा दूसरा दिन है। ये जा रहे हैं ऑफिस, यहाँ पे जोनल ऑफिस। और ये देख लीजिए, ये अपने बेटे का पैर छू रहे हैं और यहाँ पे मैंने इन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया और ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और इसके बाद इन्हें कन्फर्म होगा कि किस जगह पे इन्हें कौन सी सिटी मिल रही है ज्वाइन करने के लिए। हाय गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है, मतलब दोपहर हो चुकी है। हम लोग नहा वहा के और चीकू और मैं फ्रेश हो गए हैं। अभी भी नींद नहीं आ रही है इनको, अभी भी नींद नहीं आ रही है। तो गाइस, हम लोग एकदम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अब चल रही हूँ मैं कुछ ऑर्डर करूँगी और मुझे लग रहा था कि आज यहाँ से निकलना होगा, लेकिन आज भी यहाँ से हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं हुआ है जिसके लिए गोरखपुर रुके हैं। आज भी रुकना पड़ेगा तो फिर हम लोग कल जहाँ तक है जाएंगे। तो चलें अभी खाना मंगाएंगे और खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ होटल में तो कोई काम नहीं है वैसे तो, अभी जब तक ऑफिस से नहीं आ रहे हैं ये, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। कुछ ही प्रेवरेला और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम लोग खा पी के लेटे रहेंगे। आएंगे तो शाम को देखते हैं आज कहाँ हम लोग जाते हैं। तो बस यही अपडेट देनी थी आप लोगों को। और फिर हम सो और फिर लोग फन पार्क चलेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर खाएंगे। अच्छा, तो इनको फन पार्क में जाके बहुत मजा आया है तो ये फिर से चाह रहे हैं आज भी फन पार्क में जाएं, क्योंकि जब से उठे हैं तब से बोले मम्मा फन पार्क में आज भी चलेंगे। तो देखिए आज जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से जो हमने रूम लिया है उससे बहुत ज्यादा दूर है। तो देखिए जाते हैं या नहीं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा बिरयानी मंगाई है, वेज बिरयानी, और वही इन्होंने बोला कि मम्मा यही मंगाओ यही खाएंगे। और जब यहाँ पे मैंने मंगा लिया है तो इनका खाने का बिल्कुल भी मूड दिख नहीं रहा है मुझे। सो गाइज, चलिए हम लोग कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये भी अच्छा, तुमने कहा था मम्मा जो आप मंगाएंगी वो मैं खा लूंगा, खा के देखोगे तब अच्छा लगेगा। मनु आ जाओ, आओ बेटू, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा गिर जाएगी कटोरी बेटा। अब ये भी एक बार गाइस, तो यहाँ पे इन्हें सॉस खानी थी, सिर्फ सॉस, तो उसे मैंने दोबारा से ऑर्डर किया क्योंकि मुझे तो सॉस नहीं चाहिए थी, मुझे बिरयानी चाय के साथ ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैं इनको बोल रही कि बेटा थोड़ा सा ही खा लो, बट ये खाने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कटोरी में सॉस लेके बैठ गए हैं खाने के लिए। और यहाँ पे बस मैं अपना खाने जा रही हूँ क्योंकि इसका जो है मूड दिख नहीं रहा है खाएगा, तो मैं चल रही हूँ खाने। मनु आ जाओ प्लीज बाबू। गाइज, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हस्बैंड जी ने चीकू का पैर छुआ है जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले। और ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं जब से चीकू पैदा हुआ है। जब भी कोई एग्ज़ाम देना होता है या कहीं भी इनको मतलब अच्छी चीज़ के लिए जाना होता है तो ये चीकू का पैर छू के जाते हैं। लोग कहते हैं कि कन्या हो तो उसका पैर छूना चाहिए, शुभ होता है, लेकिन यहाँ पे पति देव जी हमारे जो हैं वो अपने बेटे का पैर छू के जाते हैं और उनको लगता है कि ये मेरे लिए शुभ है। अब ये मैं नहीं जानती कि ये क्यों करते हैं, लेकिन उनका मानना है और वो इतना प्यार करते हैं चीकू से इसलिए उसका पैर छूते हैं, तो शायद पैर छू के जाते हैं तो उनके लिए अच्छा ही होता है, इसीलिए हमेशा पैर छू के जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी क्योंकि ये हमेशा ये चीज़ करते हैं और इस बार भी ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब हम लोग घर आ गए हैं तो अभी सिटी डिसाइड नहीं हुई है कि कहाँ पे ज्वाइन करना है, अभी ये जोनल ऑफिस में जा रहे हैं, यहाँ पे इनको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आप किस सिटी में जाके ज्वाइन करेंगे। तो बस ये वहीं जा रहे हैं अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके, वहाँ पे मतलब ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इन्हें सिटी अलॉट हो जाएगी कि कहाँ पे इन्हें जाना है। तो ये अभी निकल चुके हैं और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। चीकू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत खा ले और बहुत पूछा मैंने कि क्या खाओगे क्या खाओगे, उसको कुछ पसंद ही नहीं खाने में, कुछ भी खिलाओ तो वो ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है। और जब मैंने बोला कि बेटा ये खाओगे वेज बिरयानी, तो बोला कि हाँ मम्मा मंगा लो मैं खाऊंगा, और जब मैंने मंगा लिया तो बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहा है खाने का। सो गाइस, यहाँ पे शाम हो गई है और ये ऑफिस से आ गए हैं और इनके एक फ्रेंड हैं वो भी आ गए हैं साथ में। तो हम लोग इसी होटल में, एक बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट है जो कि आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में, बहुत सुंदर, क्योंकि होटल नया है तो रेस्टोरेंट भी बिल्कुल नया नया सा है और आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर है।
सो गाइज, मैं जैसे थी रूम में वैसे ही आ गई थी, क्योंकि जस्ट मेरे रूम से 2 कदम की दूरी पे ये रेस्टोरेंट है, होटल के अंदर ही। ये कली से बोल रहे थे कि चलो कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, और यहाँ के फूड देखना है कि कैसा है खाने में। तो खाने में बहुत अच्छा था, यहाँ के सारे फास्ट फूड जो भी हमने ऑर्डर किए थे बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे इनके दोस्त आए हैं जो कि बहुत दिनों बाद इनसे मिले हैं, तो ये यहीं गोरखपुर में ही पोस्टेड है, तो इन्होंने बुला लिया था मिलने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग मिलने आए हैं, और मैं जैसी थी वैसे ही आ गई हूँ, मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज नहीं किया, ये ऑफिस से आए हैं जैसे वैसे ही है यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ ऐसी हो गई कि हम लोग हंसने लगे थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी की शर्ट का कलर और जो यहाँ के वेटर हैं उनकी शर्ट का कलर सेम है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। तो हम लोग चिढ़ा रहे थे कि आप दोनों की शर्ट का जो कलर है सेम हो गया है, आप भी वेटर ही लग रहे हो। और नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे हस्बैंड जी ऐसा कुछ नहीं लग रहे हैं। तो हम लोग फाइनली नाश्ता करके आ गए हैं अपने रूम में, और हमने बहुत ज़्यादा नाश्ता कर लिया था, तो हमने ये प्लान किया था कि कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन 11:30 और 12:15 के बीच में हमें इतनी तेज़ भूख लगी कि हम लोग क्या बताएं। तो इन्होंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है डोमिनोज से, और ये कहो कि यहाँ पे बड़ी सिटी है तो मिल गया, नहीं तो हमें तो लगता है कि छोटी सिटीज़ में इतनी रात को तो मुश्किल ही था, नहीं मिलता। और चीकू को भी भूख लग गई थी, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा आया है, और अब हम लोग इतनी रात में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। सो गाइस, मेरा वेट जितना ही बढ़ रहा है उतना ही मुझे बाहर की चीज़ें खानी पड़ जाती हैं बीच बीच में, मैं क्या ही करूं, भूख लगती है तो बर्दाश्त नहीं होता है, और पानी पी के तो मुझसे रहा नहीं जाता है कि मैं बस पानी पी के जीऊँ, तो कुछ ना कुछ तो बाहर ही खाना ही पड़ता है। और आप कितना भी होटल या रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कीजिए, वो ऑयली और हैवी ही होता है, तो बाहर निकलने पर तो यही मिलता है, घर का खाना तो मिलने वाला नहीं है सदा, तो मजबूरी है, और इसी कारण मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मेरे रूम की सफाई हो रही है, क्योंकि हमने क्लीनिंग नहीं करवाई थी एक दिन, जिस दिन आए थे उस दिन तो साफ ही था, दूसरे दिन हमने नहीं कराई थी, आज तीसरा दिन है, तो हम यहाँ पे क्लीनिंग करवा रहे थे। ये ऑफिस जा चुके हैं, और यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि इनका फ़ोन आया था कि आज जो है सिटी कन्फर्म हो गई है कि कहाँ पे मुझे फाइनली ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि रात में ही हम लोग निकल जाएं, थोड़ा लेट हो जाएगा घर पहुँचने में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ का खाना खाना पड़ रहा है बार बार, और चीकू के लिए दूध की प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा दूध नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पैक करके रखती हूँ और ये आते हैं तो मैं बात करती हूँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज हम लोग आज रात में ही निकल जाएंगे होटल से। तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे पैकिंग कर ले रही हूँ, जितना भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है, और क्योंकि मैं जब चलती हूँ तो पूरी व्यवस्था से चलती हूँ, और बहुत ज़्यादा सामान बिखर जाता है जहाँ भी रहती हूँ, और क्योंकि इन लोग को थोड़ा भी किसी चीज़ में कमी हो जाए तो फिर गुस्सा करने लगते हैं हस्बैंड कि ये चीज़ नहीं लेके आई, ये चीज़ नहीं लेके आई, तो मैं सबका सब कुछ लेके आती हूँ 2-3 दिन के लिए जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो इसलिए वो सामान तो ज़्यादा हो ही जाता है। और यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ पैक कर दिया, सेट कर दिया है। सो गाइस, मैंने सब कुछ पैक कर दिया और नहा धो के अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, और यहाँ पे मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, और चीकू अभी सो ही रहा है, तो जब तक ये सो रहे थे मैंने सारा कुछ पैक करके नहा वहा लिया, और ये ऑफिस जा ही चुके हैं, तो इन्हें मैं जगा रही हूँ और ये उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाइस, तो अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने ये नाइट सूट कहाँ से लिया है, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसके शॉर्ट्स वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मैंने इसे पहन लिया है क्योंकि बहुत आरामदेह है। और यहाँ पे चीकू सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, इनको मैं बार बार जगा रही हूँ कि बेटा उठो, कुछ खाना वाना मंगाते हैं हम लोग खाने पीने के लिए, क्योंकि दोपहर हो गई है और ये एक बार दूध पी लेते तब से सो ही रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सब कुछ पैक वैक कर लिया है, बस अब मैं इनको जगाऊँगी और थोड़ा बहुत कुछ खाना ऑर्डर करूँगी, खाऊँगी, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सो गाइस, इतना परिश्रम करने के बाद मैंने इनको जगा लिया है फाइनली, और अभी मैंने इनको ब्रश व्रश करा दिया है, अब मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्डर करूँ, क्योंकि भूख लग गई है और टाइम ज़्यादा हो गया है, बस इन्हीं के चक्कर में मैं बैठी थी कि ये भी जग जाएं तो कुछ ऐसा मंगाऊँ कि जो ये खा सकें,
और ये फिर से वही जिद कर रहे हैं कि मम्मा वही बिरयानी मंगा लो, मैं आज खा लूँगा आज खा लूँगा। और मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ पराठा वगैरह मंगा लूँगी नाश्ते में, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मम्मा वही मंगाओ। अब मैं सोच रही हूँ कि कल भी मैंने वही खाया था सुबह के टाइम में, और इस टाइम भी वही चीज़ खाऊंगी, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है बिरयानी खाने का। लेकिन चीकू फोर्स कर रहा है कि मम्मा वही मंगाओ, तो देखती हूँ मैं क्या मंगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने इनको नहला धुला दिया है, अब मैं इनके फेस पे क्रीम वगैरह लगा के कंघी वंघी कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कुछ ऑर्डर करती हूँ। सो गाइज यहाँ पे ये बोले मम्मा मुझे मेनू कार्ड दो और मैं ऑर्डर करूँगा, और देखिए कितना पलट रहे हैं, जैसे लग रहा है इनको पढ़ना आता है। और सारी जो बुकलेट है मेनू कार्ड की उसको ऐसे पलट पलट के देख रहे हैं, और उसमें जो चित्र बने हुए हैं उसको देख के बोले मम्मा ये मंगा लो। और सच में मुझे आज फिर से बिरयानी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ भी खाने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर कर रही हूँ और बस अब खा पी लेते हैं कुछ, यार बहुत तेज़ भूख लग गई है। और टोमेटो केचप वगैरह दे दीजिएगा साथ में, ठीक। वो रहने दीजिए उसको भी, उसको रहने दीजिए, उसमें भी पराठा रखा हुआ है, बाबू खाएगा, ठीक। सो गाइज यहाँ पे बिरयानी आ गई है, सॉस मंगा लिया मैंने, और अपने लिए मैंने बूंदी का रायता मंगाया है, और यहाँ पे अचार है, मिक्स अचार। और गाइज हस्बैंड जी सुबह नाश्ते में पराठा खा के गए थे, तो इन्होंने चीकू के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनसे पूरा तो खाया नहीं जाता, कोई भी खाना हो कितना भी बढ़िया खाना हो ये पूरा नहीं खा सकते हैं। तो पराठा भी है और यहाँ पे बिरयानी मैंने मंगा ली है इनके कहने पे, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, लेकिन अब क्या ही करूँ, और बहुत ज़्यादा बिरयानी आ गई है, इतना तो मैं खा नहीं पाऊँगी अकेले। तो चलिए अब मैं इनको खिला देती हूँ, उसके बाद खुद भी खाती हूँ, देखती हूँ ये क्या क्या खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ थी इनको खाना खाने के टाइम पे, देखिए क्या खाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके लिए पराठा निकाली हूँ और मैं अब इनको खिलाऊंगी। सो गाइज मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ कि ज्वाइनिंग कहाँ पर हो रही है इनकी, तो जो है अयोध्या में ही इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, थोड़ा सा सिटी से दूर है, लेकिन सिटी अयोध्या ही है, तो हमें बहुत खुशी है कि हम लोग अपने शहर में आ गए हैं। मेरा मायका अयोध्या में है और इनका जो घर है वो तो गोंडा में है, लेकिन बिहार से अपने घर के इतने पास आ गए हैं, इसकी बहुत ज़्यादा हमें खुशी है। और इन्हें भी अपने घर जाना होगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है, एक सिटी छोड़ के अगली सिटी इनकी है, तो हमारा घर आना जाना भी होता रहेगा, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और हम बहुत खुश हैं इसे लेके। गाइज आज से 10 दिन पहले तक हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारा ट्रांसफ़र कहाँ होने वाला है, और हुआ तो अपने शहर में हुआ, इसकी बहुत खुशी हमें। सो गाइज यहाँ पे माँ बेटे के खाने का टाइम है और हम दोनों अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ पराठे ही खा रहे हैं, बिल्कुल भी इनको नहीं खाना है, आलू का पराठा जो था वही इनको पसंद आया, और सॉस से मैं इनको वही खिला रही हूँ, और बिरयानी तो बिल्कुल भी नहीं खाए। सो गाइज यहाँ पे फाइनली ये आ गए हैं, और रात हो गई है करीब 8:30-9 बज रहा है, तो हम लोग निकलने वाले हैं, बस ये बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, जो फाइनल यहाँ पे बिल वगैरह है वो सारे कुछ पे करके और यहाँ से निकलेंगे। और मैंने वही अपना नाइट सूट ही पहन रखा है, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल रहेगा, और बस से घर जाना है, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, और चीकू अपनी मछलियों के साथ में खेल रहे हैं, तो ये जितनी देर यहाँ पे हैं खेलेंगे, और बिल हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से तुरंत निकलेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, और घर पहुँचने में तो हमें लग रहा है कि 1:30 से 2 बज जाएंगे रात में। तो यहाँ पे निकल रहे हैं, हमारा बैग वगैरह बाहर आ गया है। सो गाइस यहाँ पे अटेंडेंट जो है वो हमारा ट्रॉली बैग वगैरह लेके आके पहले से ही खड़ा हुआ है, और हम लोग भी आ गए हैं। चीकू बहुत खुश हैं कि नानी के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब वहीं जाएंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे। और यहाँ पे ये टिप वगैरह दे रहे हैं जो हमारे अटेंडेंट थे, और ये जो रेस्टोरेंट था उसका आप लोग देख सकते हैं गेट है, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं, और ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें।